अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 का रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिटन वर्क से पहले आपने पेज प्रिपेयर करना है। चैप्टर 5 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, होमवर्क क्वेश्चन, डायग्राम, शेड द करेक्ट आंसर, ये आपने लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। इसका जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, तो आपने इस तरह करना है कि लाइन ड्रॉ कर देना है। एक सरह पे हो जाएगा पोलिनेशन, दूसरी पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, लेकिन इक्वल इक्वल, ऐसे ना हो कि ऐसे ही मिक्स कर दे। पोलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमन टू कार्पल ऑफ अ फ्लावर। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन का स्टेमन से कार्पल पे एक फूल के। व्हेन द न्यूक्लियाई फॉर फ्लावरिंग पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल जॉइन टुगेदर फॉर्म सीड, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब न्यूक्लियाई, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर यंग पार्ट होता है, न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन के और ओव्यूल के मिल जाते हैं और सीड बनते हैं, उस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, अ फ्लावर मस्ट बी पोलिनेट बिफोर इट कैन मेक अ सीड। प्लांट जो है वो मस्ट पोलिनेट होता है सीड बनाने से पहले। द ओव्यूल ऑफ फर्टिलाइजेशन मेक सीड। जब पोलिनेशन का अमल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है, तब सीड बनते। पोलिनेशन इज डन बाई टू मैथड। पोलिनेशन के टू मैथड्स है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन अकर विद इन ओवरी ऑफ अ कार्पल आफ्टर पोलिनेशन। और हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है उसका अमल कब होता है? पोलिनेशन के बाद, जब ओवरी और उसके साथ पोलन ग्रेन मिल जाते हैं ओवरी में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट, फ़र्क करना है कि सेल्फ पोलिनेशन उसमें और क्रॉस पोलिनेशन इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब सेल्फ पोलिनेशन की हेडिंग देना है, बीच में लाइन ड्रॉ कर देना। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग पेज पे कर दें, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में लाइंस ड्रॉ करने हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जहाँ उनके बीच में लाइन ड्रॉ करना होता है, तो फिर आपको चाहिए कि उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन वाला स्टार्ट करें, बस न्यू पेज पे जाते जाएँ, ठीक है ना, ताकि आंसर प्रॉपर आए। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन हेडिंग देना है। सेल्फ पोलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टैमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। के सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन जो है वो स्टैमन से स्टिग्मा पे, कार्पल, स्टिग्मा जो है कार्पल का हिस्सा है, उस पर गिरते हैं सेम फ्लावर, वही फ्लावर के अंदर, या फिर डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट वही हो। जैसे गुलाब रेड ले ले, उसकी पोलन ग्रेन उसी के अंदर गिर जाइए, उसके साथ जो फ्लावर है वो वैसी हवा के साथ मिल जाते हैं, इसके साथ पोलन ग्रेन गिर जाते हैं, तो सेम प्लांट आता है। क्रॉस पोलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। स्टैमन टू स्टिग्मा भी लिख सकते हैं, एंथर टू स्टिग्मा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़, यहाँ पे जो गिरेंगे फ्लावर पे गिरेंगे लेकिन उस प्लांट पे लगे फूल के साथ ही, उसके जो दूसरे, मतलब एक प्लांट फीमेल एक फी, जैसे अनार में तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो पिस्टैचू है या काजू है उनमें एक फ्री मेल होता है और एक जो है फीमेल होता है, तो इसमें जब इसके ट्रांसफर होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। इसका भी आपने क्रॉस जो पेज है उस पर लाइन लगाने नए बीच में, ऊपर हेडिंग देना है, पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट 1 जो है, ठीक है, हमारे पास आ रही है, वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है कि वो प्रोड्यूस करे हमारे पास न्यू प्लांट। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वन पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व है कि प्रोड्यूस करे ऑफस्प्रिंग, उसी तरह बच्चे। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन
टू पेरेंट्स वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व। इनमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल। द मेल सेल एंड फीमेल पेरेंट द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट। सेक्स सेल्स कहते हैं हमारे पास उसको, जैसे हमने कहा था क्या, एग एंड स्पर्म। ठीक है, स्पर्म किसका पार्ट है, कौन सा सेल है, मेल, और एग जो है वो फीमेल या ओव्यूल। सेकंड पॉइंट जो है, द ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की बॉडी से, जैसे अभी कल हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे स्टेम से ग्रो होना, स्ट्रॉबेरी का, पोटैटो का, उसकी जो बड है, तो बॉडी पार्ट से। द गेमीट्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ जायगोट। जायगोट हमारे पास एक न्यू सेल बन जाते हैं, जो सीड बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जो गेमीट्स है मेल और फीमेल सेल, ये आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकली। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। कोई चीज ऑफस्प्रिंग में भी वेरिएशन फ्रॉम द पेरेंट्स फिजिकल फ्यूचर। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, मुख्तलिफ हो सकती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस, कि क्या नुकसान फ़ायदे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो हम बॉडी प्लांट की किसी बॉडी पार्ट को ग्रो कर लेते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आपने आंसर में हेडिंग देना है एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, फिर हेडिंग है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दिस टाइप ऑफ टाइप द न्यू प्लांट प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें जो प्लांट बनता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है, वो एग्जैक्ट उसी तरह होते हैं जैसे प्लांट, जैसे आलू, कचालू, ओनियन, वो उसी तरह होते हैं जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, पुदीना। ठीक है ना, ग्रास, स्ट्रॉबेरी। इन दिस टाइप अ वेराइटी ऑफ न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। इसमें से वेराइटी ऑफ प्लांट ग्रो हो सकते हैं। इट अलाउ द प्लांट टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग क्विकली। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जल्दी जल्दी, मतलब नस्ल ज़्यादा बढ़ते। एक आलू हम ग्रो कर ले, कितनी ज़्यादा उससे निकल आते हैं, कितनी उसकी जल्दी। इसी तरह गुलाब के डंडे हम लगा लेते तो कितने ज़्यादा गुलाब, इसी तरह पुदीने के डंडे लगा लेते तो कितना ज़्यादा आ जाता है। इन दिस टाइप ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस स्लोली आफ्टर अ कम्प्लीट पीरियड। ठीक है ना, कम्प्लीट प्रोसेस हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीट हो, तब उसमें से हमारे पास क्या आएगा, प्रोसेस जो है उसका स्लो होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर रैपिड इन लेस टाइम। बहुत कम टाइम में बहुत से हम प्लांट ग्रो कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑर्गेनिज्म टेक टाइम टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। इसमें जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें टाइम लिया जाता है कि पहले फ्लावर में पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन में सीड्स बनेगा, फिर वो सीड मेच्योर होगा, उसको फिर ड्राई किया जाएगा, उसको दोबारा ग्रो किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब उसके फ़ायदे थे, ठीक है ना, कि हम कम टाइम पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो जो प्लांट की तरह बिल्कुल होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है। अब इसके नुकसान क्या है, ठीक है ना, अब इसके क्या नुकसान है, द प्लांट लॉस जेनेटिक वेरिएशन। जो उसकी जेनेटिक, जो नस्ल दर नस्ल उसकी जो क्वालिटी आ रही है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। द प्लांट कीप देयर जेनेटिक वेरिएशन बाय ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें वही खसूसियात रहती है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर द लैक द न्यूट्रंस। नंबर ज़्यादा हो रहा है तो इसमें जो गजाइत है उसकी कमी आ रही है। ड्यू टू लेस इन नंबर द न्यूट्रंस आर इनफ फॉर। इसमें नंबरिंग कम होती है तो गजाइत उसके लिए काफ़ी है। द डिज़ीज़ ऑफ पेरेंट्स प्लांट्स गेट ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग। जो डिज़ीज़ होते, बीमारी होते हैं, वो पेरेंट्स से उसके जो बच्चों में हैं ग्रो हो जाती, ग्रो होने के बाद उसमें चली जाते हैं। द डिज़ीज़ आर नॉट कम्प्लीटली ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन। उसमें जो नस्ली
ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन है उसकी वजह से इसमें जो है डिज़ीज़ कम ख़तरा है कि वो ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पे आपने अपने हाथ होमवर्क नोट करना है, वो करना है लर्न शॉर्ट एंड होमवर्क क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 जो हम कर चुके हैं। ठीक है,